त्रेता युग से लेके अभी तक यहाँ से देख सकते हो दोस्तों पानी आ रहा है, बहुत ही मतलब स्वच्छ पानी है, बिल्कुल साफ पानी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कहाँ से आ रहा है ये आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि नीचे से जब वो बांध मारे थे ना ऋषिराम जी, तब से ये लेके अभी तक ये पानी देख सकते हो दोस्तों यहाँ से निकलता है। और कैसे दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के साथ में। मैं अभी हूँ मुंबई के बालकेश्वर मंदिर के पास दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ आज बाणगंगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जब अयोध्या जा रहे थे लंका से, तो इस जगह पर जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ दोस्तों, यहाँ पर रुके थे दोस्तों, और यहाँ पे प्रभु श्री राम जी को जब प्यास लग गया तो वहाँ पे बाण मार के यहाँ पे अपने आप यहाँ से अंदर से पानी निकालते, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो, ये वही कुंड है दोस्तों जहाँ पे प्रभु श्री राम रुके थे और यहाँ पे पानी पिए थे दोस्तों। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कुछ बना रहे हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ, इसलिए ये आपको गोनी उनी बोड़ी उड़ी दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो ये कुंड कितने ज़्यादा खूबसूरत, इसमें बहुत सारे मछलियाँ हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो बत्तख, हंस, ये सब है। और किनारे किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी मंदिर है दोस्तों, छोटे बड़े बहुत सारे, हनुमान जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। और इस तरफ यहाँ पे ये जो सीढ़ी जा रहा है ये बालकेश्वर मंदिर में दोस्तों, यहाँ पे भोलेनाथ जी का बहुत ही बड़ा वहाँ पे मंदिर है। और ये जगह देख सकते हो दोस्तों, त्रेता युग से लेके अभी तक यहाँ से देख सकते हो दोस्तों पानी आ रहा है, बहुत ही मतलब स्वच्छ पानी है, बिल्कुल साफ पानी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कहाँ से आ रहा है ये आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि नीचे से जब वो बांध मारे थे ना ऋषिराम जी, तब से ये लेके अभी तक ये पानी देख सकते हो दोस्तों यहाँ से निकलता है। और यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी है, देखो यहाँ पे सीढ़ी बना, नीचे से पानी आ रहा है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ पानी है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे मछली, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को पूर्वजों को जो अस्थियाँ होते हैं दोस्तों यहीं पर जल प्रवाह करते, देख सकते हैं यहाँ पे सामने, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी लोग यहाँ पे पूजाते भी है, क्योंकि ये गंगा जी के ही मान्यता प्राप्त है दोस्तों इसको। ये आपको देखने में लग रहा है कि ये कुंड है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे जिधर से मैं आपको अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ इस तरीके से है कि आपको आने के बाद ऐसा लगेगा यहाँ कि यहाँ पे प्रॉपर मंदिर ही मंदिर है। वहाँ पे सामने भी मंदिर देख रहे हो, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर, जितना भी सीढ़ी ऊपर आ रहा है ना सब चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। तो आज जब आप ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बालकेश्वर महादेव जी का नया वाला दोस्तों मंदिर बन रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे गेट देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा एकदम से तैयारी हो चल रहा है दोस्तों। सामने देख सकते हैं एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे टाइल्स, गेट्स, ये सारा चीज़ लगाया गया। और जो मेन मंदिर दोस्तों इस तरफ है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों ये है ओरिजिनल मंदिर, अभी जो यहाँ पे बालकेश्वर महादेव जी का मंदिर है दोस्तों। सामने वो देख सकते हैं लाल कलर का जो दिख रहा है मंदिर दोस्तों सामने, ये अभी नया वाला मंदिर बन रहा है। और देख सकते मेरे राइट साइड में यहाँ से पूरा कुंड दिखता है दोस्तों बाणगंगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े मछलियाँ, ये देख सकते आप, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो जितना भी आपको दिख रहा है काला काला सा दिख रहा है, ये सब बड़े बड़े मछली है, कछुए है, यानी कि ये बहुत ही समझ सकते हो यहाँ पे पॉपुलर ये कुंड है दोस्तों बाणगंगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में आपको पता चलेगा दोस्तों। दो बाणगंगा है दोस्तों, एक तो कुरुक्षेत्र में है जहाँ पे भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मार के जो पानी आपको पिलाया था दोस्तों, देखे थे गंगा जी को, वो वहाँ पे बाणगंगा है। और दूसरा दोस्तों मुंबई में है दोस्तों, यहाँ पे बालकेश्वर में। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है बालकेश्वर महादेव जी, देख सकते कितने ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे देख सकते हो विराजमान है। और यहाँ पे देख सकते बाजू में पार्वती जी है और बाजू में गणेश जी का भी यहाँ पे प्रतिमा है दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये है बालकेश्वर महादेव जी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों ये बालकेश्वर में, ग्रैंड रोड में जब आप आते हैं दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के बाद, ये देख सकते हैं पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर किस तरीके से यहाँ पे दिखता है। ये दोस्तों पहले वाला मंदिर है, छोटा वाला मंदिर है, थोड़ा छोटे साइज का है, लेकिन वो जो मंदिर आपको बन रहा है दोस्तों वो बड़े साइज का मंदिर बाजू में ही बन रहा है दोस्तों। वो जब बन जाएंगे विशाल मूर्ति तो वहाँ पे और भी ज़्यादा भव्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ नज़ारा है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सामने भी देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है दोस्तों, और रास्ता भी देख सकते हैं। जब आप आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से, जैसे आप एंट्री करेंगे ना तो आपको यहाँ पे फीलिंग होगा कि यहाँ पे मंदिर ही मंदिर है, ऐसा एकदम वाइब से आता है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा साउंड आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ कि यहाँ पे प्रॉपर मंदिर ही मंदिर है दोस्तों। तो ये है दोस्तों मुंबई के बालकेश्वर महादेव, जहाँ पे आपको बालकेश्वर महादेव जी का दर्शन हो जाएंगे दोस्तों, साथ ही आपको बाणगंगा का भी दर्शन होगा दोस्तों, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने गंगा जी को यहाँ पे बाण मार के निकाला था दोस्तों, वो अभी तक बह रहा है, तो आपको वो भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और सामने देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बजरंगबली जी का यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मंदिर है, ये देखिए सामने देख रहे मेरे लेफ्ट साइड, यहाँ देखो माता लक्ष्मी का मंदिर है ये, और उधर देख सकते हो बाणगंगा, जिधर से हम आए दोस्तों, और इस तरफ भी मंदिर है। और सामने देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बजरंगबली का दोस्तों, यहाँ पे देख सकते बालाजी का मंदिर है, और सामने इस तरफ देखो रास्ते से आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे कितने सारे वहाँ पे मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे मुंबई के बालकेश्वर में। ये देखिए रास्ता जब आप आएंगे दोस्तों, चढ़ाई है यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा हुआ है, जैसे जैसे आप आएंगे दोस्तों आपको नीचे ऊपर जाना एकदम पहाड़ के जैसा चढ़ाई है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मेरे लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पे भी मंदिर ही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप,
चढ़ाई देख रहे हो आप, यहाँ तक देख सकते हो कितने लंबाई चढ़ाई है। और ऊपर यहाँ पे मेन रोड है, उधर से जब आप आएंगे बालकेश्वर से तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा दोस्तों। ये देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में दोस्तों, ये देख सकते हो ये भी मंदिर है दोस्तों। यहाँ आने के लिए ग्रैंड रोड के नाना चौक से आपको बस मिल जाएंगे दोस्तों डायरेक्ट आपको बालकेश्वर के लिए। ये देख सकते हैं अभी बालकेश्वर आप पहुँचेंगे और इसके यहाँ से आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये मंदिर और ये बाणगंगा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों।